जैसे आप अपना स्मार्ट वॉलेट ओपन कर लेंगे तो इस तरह इंटरफेस ओपन आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको देखना है बुल स्प्लिट। जैसे आप यहाँ पर बुल स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने जो भी अपने बुल स्प्लिट टोकन को भेज के रखा है अपने स्मार्ट वॉलेट में, एयर ड्रॉप को लेके रखा है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पर 0.0596339 टोकन्स ऑलरेडी मेरे स्मार्ट वॉलेट में है। इसको हम कैसे फ्रीज करेंगे, पहले आपको अपने एयर ड्रॉप को टेलीग्राम चैनल से स्मार्ट वॉलेट में विड्रॉ करना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर राइट साइड में एक छोटा सा फ्लावर दिख रहा है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पर एक फ्रीज का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको फ्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम अभी यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये हमारा नया डैशबोर्ड है। आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मैक्स और एक मैनुअली एंटर करने का। मैक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप पूरा जो आपका बुल टोकन है वो पूरा वहाँ पर एंटर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप इसको कट करेंगे और आपको जितना बुल स्प्लिट में फ्रीज करना है वहाँ पर आप मैनुअली एंटर कीजिए जो भी आपको फ्रीज करना है। तो नीचे आपको एक क्लेम बटन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर फ्रीज पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्रीज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बुल स्प्लिट टोकन है वो फ्रीज हो जाएगा अपने स्मार्ट वॉलेट में और आपको डेली रिवार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर अपने बुल स्प्लिट टोकन को फ्रीज कर दिया है तो यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग और ऑप्शन दिखाई देगा। आपको स्प्लिटिंग पे क्लिक करना है और हर 24 घंटे में वहाँ पर एक आपको क्लेम रिवॉर्ड करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाके आपको अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम करना है। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर जैसे मैंने स्प्लिट पे क्लिक करके दिया है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपने कितना अभी तक फ्रोज किया है और नीचे आपको क्लेम रिवॉर्ड दिख रहा है। तो जैसे आप नीचे क्लेम रिवॉर्ड पे क्लिक करेंगे 24 घंटे के बाद तो आपका रिवॉर्ड डेली क्लेम हो जाएगा। तो जब भी आपको अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, स्प्लिटिंग पे आने का, फिर आपको एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लेम रिवॉर्ड पे आपका रिवॉर्ड क्लेम हो जाएगा। अगर आपको नेटवर्क फीस कट रहा है तो मैं आपको बताऊँगा कि आप नेटवर्क फीस को कैसे ज़ीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर फ्रोज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फ्रोज पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी बुल स्प्लिट को फ्रोज किया था वो मुझे नेटवर्क फीस ज़ीरो लगा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे स्मार्ट कॉइन को फ्रीज करना है तो आपके नेटवर्क चार्ज आपको ज़ीरो लगेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है। पहले आपको है ना स्मार्ट कॉइन को ख़रीदना है कोई भी एक्सचेंज से और आपको फ्रीज करना है अपने स्मार्ट वॉलेट में। मिनिमम से मिनिमम आपको करना है 8 से या 10 हज़ार आप स्मार्ट कॉइन को फ्रीज कीजिए तो आपको नेटवर्क फीस ज़ीरो गिरेगा जब भी आप बुल स्प्लिट को क्लेम करेंगे डेली रिवार्ड्स को। जब भी आप डेली रिवार्ड्स को क्लेम करेंगे अपने स्मार्ट वॉलेट में तो आपको नेटवर्क फीस ज़ीरो गिरेगा। ये एक ही ऑप्शन है, अगर नहीं तो आपको डेली चार्जेस गिरेंगे। जब भी आप अपने बुल स्प्लिट को रिवॉर्ड को क्लेम करेंगे तो आपको स्मार्ट कॉइन कटेगा। तो ये एक ऑप्शन है जहां पर आपके स्मार्ट कॉइन को आप बचा सकते हैं और उसको फ्यूचर में बेच सकते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगर आप ख़रीदेंगे स्मार्ट कॉइन को तो आपको फ्यूचर में कोई लॉस नहीं होगा, आप कभी भी ये सिस्टम से निकलना चाहते हैं तो।